डॉक्टर सुनीता सिंह, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम मैं सुरभि सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस मंच को प्रदान किया जिस पर मैं अपने विचारों को आपसे आदान प्रदान कर सकूँ। आज का हमारा विषय है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेस्टर्न परस्पेक्टिव। यदि मैं बात करूँ फिलॉसफी की, तो शुरू में मैं जब अपनी बात करूँगी तो फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, दर्शन का क्या अर्थ रहा है, दर्शन क्या क्या स्वरूप रहा है, दर्शन की क्या कितनी क्षेत्र हैं, किस प्रकार से दर्शन को शिक्षा से जोड़ा जाए, और इसमें मेरा जो फोकस रहेगा वो भारतीय दर्शन से अधिक पाश्चात्य दार्शनिकों के मत पर रहेगा। देखिए, शिक्षा के दार्शनिक संपत्ति को यदि हम समझना शुरू करें तो शिक्षा एक व्यवहारिक पक्ष है और दर्शन एक चिंतन पक्ष है। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी कहा गया अंग्रेजी में, जिसे हम कहते हैं फिलॉस धन सोफिया। फिलॉस का तात्पर्य है प्रेम या अनुराग और सोफिया का तात्पर्य है ज्ञान और विद्या। अतः फिलॉसफी एक ज्ञान के प्रति अनुराग है। अब हमें यह देखना होगा कि यह ज्ञान क्या है, ये जानने का की प्रक्रिया क्या है, और या फिर यह कैसे जाना जाए। जैसा हम हर किसी चीज को जानते हैं, क्या वह जानना, जैसे हम देख के जानते हैं किसी चीज को कि ये प्लास्टिक की है, ये कांच की है, क्या दर्शन का जानना भी वही जानना है, या हमारा जानना और उस जानने दर्शन में जानने की प्रक्रिया कुछ अलग है। इसी सब के चिंतन में दर्शन पनपता है। मनुष्य चाहे पश्चिम का हो या पूरब का हो, मनुष्य होने के नाते उसकी स्वाभाविक क्रिया है सोचना। अतः प्रत्येक देश के चिंतन का अपना एक तरीका होता है, अपना एक दर्शन होता है। परंतु दृष्टिकोण में भले ही अंतर हो, किसी भी देश में दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है, चाहे वो पाश्चात्य दर्शन रहा हो या भारतीय दर्शन रहा हो। दर्शन जिज्ञासा की शांति के लिए जन्म लेता है और विश्व को उसकी संपूर्णता में जानने के लिए मानसिक चेष्टा की जाती है। विश्व को उसकी संपूर्णता में जानने के लिए आधे आधे भाग को जान करके एक दार्शनिक कभी भी स्वयं को संतुष्ट नहीं करता। वो जानना चाहता है कि आखिर पूरा क्या है। तो विश्व को एक संपूर्णता से जानने के लिए जब मानसिक चेष्टा की जाती है तो उसी को दर्शन कहते हैं। बहुत से दार्शनिकों ने दृश्य जगत तत्व को ही दर्शन का विषय माना, तो बहुत से दार्शनिकों ने जो वास्तविक दृश्य जगत है उसको ना मानते हुए जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको माना, दृश्य जगत को अस्थायी मानते हुए अवास्तविक बता दिया। उनके लिए वही सत्य है जो सनातन है। अतः वही दर्शन शास्त्र का विषय है। और अगर मैं इस मत को बात करूं पाश्चात्य दार्शनिकों में, तो प्लेटो, ब्राडले इत्यादि इसी मत में हैं, जो एक सार्वभौमिक सत्य को सत्य मानते हैं। पर वास्तव में दृश्य जगत भी तो अव्यक्त तत्व का ही व्यक्त रूप है, भले ही वह अपूर्ण है। इस प्रकार यदि हम देखें कि तत्व या दृश्य जगत दोनों ही दर्शन शास्त्र का विषय है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि आखिर ये जानना होता कैसे है। जानना मनुष्य के मानसिक प्रयत्न का फल है या क्रियाओं का फल है। साधारण तरीके से किसी भी पदार्थ को जानने के लिए हम छानबीन करते हैं, और यह जो छानबीन होती है, यह जब सुव्यवस्थित तरीके से निष्पक्ष होती जाती है, तब साधारण ज्ञान से यह भिन्न हो जाती है, इसमें विरोध खत्म हो जाता है, और यही प्रयत्न दर्शन का विषय है। भारतीय दर्शन का संबंध जीवन से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यहाँ दार्शनिक चिंतन का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण करना या खोज करना नहीं है, जैसा कि पाश्चात्य दार्शनिकों का विचार है, बल्कि सत्य का साक्षात्कार करना भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। यहाँ दर्शन केवल सैद्धांतिक अन्वेषण नहीं है, बल्कि उसे अनुकूल कर जीवन में ढालने की प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ का दर्शन केवल मानसिक व्यायाम नहीं है, वरन जीवन का आधार है। पश्चिमी दार्शनिकों ने दर्शन को व्यक्तिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की आधारशिला के रूप में उत्पन्न किया। भारतीय दर्शन का लक्ष्य दुख का निवारण है, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ था। परंतु पाश्चात्य दर्शन में सत्य का अन्वेषण विभिन्न विधियों से किया गया है, जैसे तार्किक, साइलॉजिस्टिक, डायलेक्टिकल मेथड, एम्पिरिकल एक्सपीरियंस आदि विभिन्न विधियों से किया गया है। मनुष्य का सर्वप्रथम संपर्क बाह्य संसार से होता है, अतः उसके समक्ष विश्व संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम जिस विश्व में पैदा होते हैं उसको देखते हैं, आखिर ये विश्व क्या है,
इसकी सृष्टि कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, ये सारी समस्याएं दर्शन के अंतर्गत कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाती हैं। और यह स्पेस और टाइम, इवोल्यूशन, विश्व प्रयोजन मूलक है कि नहीं, टीलोलॉजिकल है कि नहीं, और यह विश्व क्या यंत्रवत है, मैकेनिकल है, ये सारे विचार जो हमारे मन में आते हैं, ये जितनी भी सारी समस्याएं आती हैं, ये सारी समस्याएं हमारी कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो दर्शन विभिन्न समस्याओं को भी पैदा करता है। मनुष्य में देखिए आत्मचेतना होती है, वह अपने विषय में सोचना आरंभ करता है। पहले वह विश्व में, जिस विश्व में रहता है, जिसके संपर्क में है, उसके बारे में अगर सोचता है तो वो कॉस्मोलॉजिकल है। और अगर वो अपने बारे में सोचता है कि ये आत्मा क्या है, ये मस्तिष्क क्या है, ये चेतना क्या है, क्या मैं फ्री विल हूँ, क्या मैं स्वतंत्र हूँ, क्या एक इमॉर्टेलिटी है, क्या सनातन है कुछ, जब गतिशीलता इत्यादि के बारे में समझता है तो वह आत्मचिंतन के अंतर्गत आता है। अगर दर्शन की मैं तीसरी शाखा की बात करूं, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि तत्व संबंधी चिंतन क्या है, जिसमें जड़ तत्व क्या है, मैटर क्या है, जिसमें चेतन क्या है, फिर कितने तत्व से बना है ये प्रकृति, इसकी क्या संख्या है, क्या यह एक है या अनेक है, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज नॉट लुकिंग हियर एंड देयर, दैट इज बियॉन्ड, जो भौतिकता से परे चली जाए, वह कहलाती है दर्शन शास्त्र की एक शाखा मेटाफिजिक्स। तो अभी मैं बात कर रही हूँ कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी जो विश्व का ज्ञान करा दे, मेटाफिजिक्स जो तत्व का ज्ञान करा दे। इस तरीके से जो फिलॉसफी है उसको अगर हम देखें तो वो विभिन्न भागों में बढ़ती जाती है, कॉस्मोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, लॉजिक, थियोलॉजी, ये सारी जो शाखाएं हैं ये हमारे दर्शन के अंतर्गत आती हैं। तो जब तत्व मीमांसा का ज्ञान होता है तो उसमें तत्व संबंधी चिंतन होता है। अगली समस्या ये आती है कि इन तत्वों का ज्ञान कैसे हो, तो ज्ञान संबंधी समस्याओं का जन्म होता है, जिसमें हम यह जानना चाहते हैं आखिर ये जो ज्ञान आ रहा है इसका साधन क्या है, व्हाट इज द वे ऑफ नोइंग, हम कैसे जानते हैं, क्या हम मस्तिष्क के द्वारा जानते हैं या सेंसेस के द्वारा जानते हैं, कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा ज्ञान वैलिड है, कौन सा ज्ञान इनवैलिड है, परा अपरा, इस प्रकार से ज्ञान की लिमिट क्या है, इन सारी समस्याओं को हम एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें हम सोर्सेज ऑफ नोइंग, वे ऑफ नोइंग की बात करते हैं, जो हमारे पेडागॉजिकल कंसर्न में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही मनुष्य का ध्यान, देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है, साथ ही मनुष्य का ध्यान आदर्शों की तरफ भी जाता है, आइडियाज की तरफ जाता है, जैसे मोरालिटी, आइडिया ऑफ गुडनेस, आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये सारी चीजें जिसमें हम मूल्यों की बात करते हैं, जिसमें अच्छे और बुरे की बात करते हैं, जिसमें नैतिकता की बात करते हैं, जिसमें हम ड्यूटीज की बात करते हैं, वो सारी चीजें एक्सियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम कहते हैं मूल्य मीमांसा, इथिक्स। और सौंदर्य संबंधी, कुरूप है कि सुंदर है, जब हम ऐसी बातों को करते हैं तो वो एक एस्थेटिक कहलाता है। मानसिक आदर्शों की स्थापना ऐसे ही नहीं हो जाती है, नॉर्म्स हम ऐसे ही नहीं बना देते हैं, बड़ी लॉजिकली सोचते हैं, उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। तो हम एक दर्शन शास्त्र की अलग से शाखा का अध्ययन करते हैं जिसे कहते हैं लॉजिक। जब हम ईश्वर, विश्व और जीव के बीच में आपसे क्या संबंध है, जब हम इसको जानना चाहते हैं तो वहां हमारा एक दर्शन शास्त्र की शाखा है जिसे कहते हैं थियोलॉजी। इस प्रकार दर्शन शास्त्र की हमने अनेक शाखाओं को पढ़ा, अनेक शाखाओं को आपने भी सुना होगा। क्यों आखिर जरूरी है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को जानने से पहले दर्शन शास्त्र की शाखाओं को जानना, क्योंकि आप जब चिंतन करते हैं तो जो चिंतन आप करते हैं उसका जो मेटाफिजिक्स होता है उससे ही कनेक्टेड होती है एपिस्टेमोलॉजी, और उससे ही कनेक्टेड होती है एक्सियोलॉजी, और वो व्यवहार में परिणित होती है, इसलिए दर्शन की शाखाओं को जानना चाहिए। तो कॉस्मोलॉजी, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स को ही ऑन्टोलॉजी भी कहा जाता है, ऑन्टोस अर्थात सत्ता और लॉजी अर्थात स्टडी। सत्ता की मीमांसा जिसमें अध्ययन किया जाए, जैसे सत्ता के बारे में जाना जाए, दैट इज ऑन्टोलॉजी। हीगल ने सत्ता का सिद्धांत दिया था। तो हमने अभी पढ़ा दर्शन शास्त्र की शाखाओं के बारे में। देखिए आज का लेक्चर इंडियन पर्सपेक्टिव में मैं नहीं बल्कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, तो मैं फिर से जितनी मैंने शाखाओं को बताया है उसमें एक दर्शन शास्त्र का पेड़ अपने दिमाग में बना लीजिए कि दर्शन शास्त्र पाश्चात्य सभ्यता में किस प्रकार से बढ़ रहा है,
किस प्रकार से मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कैसे एपिस्टेमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कैसे एक्सियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कैसे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, नॉट इन इंडियन पर्सपेक्टिव बट इन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। सो ध्यान दीजिए, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में अल्टीमेट रियलिटी अर्थात मूल तत्व के स्वरूप को जानने के लिए सर्वप्रथम यूनानी मत आया। यूनानी चिंतन के आरंभकर्ता थेल्स ने बताया कि सभी वस्तुओं का कारण जल है, क्योंकि तत्व की जानकारी होती है तत्वमीमांसा में। तो यूनानी मत वालों ने, जिसमें थेल्स ने बताया कि सभी वस्तुओं का कारण जल है। एनैक्सिमेंडर ने मूल तत्व को अनिवार्य बताया, असीमित बताया। उसने कहा क्योंकि जल सीमित है तो यह इस संसार का कारण नहीं हो सकता, तो एनैक्सिमेंडर ने थेल्स के मत को नकार दिया। आगे बढ़ते हैं, एनैक्सिमेनस ने बताया कि जो पूरा विश्व है इसका जो मूल तत्व है वो वायु है, एयर। वायु के घनीभूत होने से ही पिंड बनता है, लेकिन इसको भी नकारा गया यूनानी मत के। ये कहलाता है सोफिस्ट थ्योरी, राइट। तो थेस, एनैक्सिमेंडर, एनैक्सिमेनस, हेराक्लीस। हेराक्लीस ने मूल भौतिक तत्व को फायर बताया, आग। यानी कितने तत्व की जानकारी हो गई, पहला जल तत्व, दूसरा वायु तत्व और तीसरा आग, फायर। हेराक्लीस ने मूल भौतिक पदार्थ के रूप में फायर को बताया। इसने इसको भी इससे भी लोग सहमत नहीं हुए कि नहीं, फायर से ये पूरा प्रकृति एक तत्व से निर्मित नहीं हो सकती है। इसी प्रकार यूनानी मत में चार तत्व हमें पता लगे, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। भारतीय दर्शन में भी कहा गया क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। इस संसार की उत्पत्ति इन पांच तत्वों से हुई है। एनैक्सिओरस ने माना कि ये जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं ये सरल द्रव्यों के सम्मिश्रण है। ये तत्व निर्जीव और गतिहीन है, इसमें राग और द्वेष होता है, आकर्षण से पिंड बनता है और विकर्षण से पिंड विघटित हो जाता है। इसी प्रकार लिसिपियस और डेमोक्रेट, ये चार तत्वों की जानकारी यूनानी मत से हुई। इसके आगे अगले यूनानी मत में लिसिपियस और डेमोक्रेटिक आए। डेमोक्रेटस ने पहली बार आधुनिक वैज्ञानिकों की भांति बात की और उसने कहा कि नहीं, मूल तत्व जो प्रकृति या संसार का जो कारण है, कॉस्मोलॉजिकल थे ये सब, उसका मूल तत्व का कारण कण है, एटम, और इसमें गुण और भेद नहीं है, ये छोटा पार्टिकल है, एटम। एम्पीडोलस और डेमोक्रेटस एक जड़ द्रव्य के विषय में लगभग सोच रहे थे। अभी तक जितने भी लोग थे यूनानी मत, जैसे हम कहते हैं सोफिस्ट ने जल, वायु, अग्नि, और अब डेमोक्रेट ने कण की बात कर दी, और एक तरीके से इस तरीके से वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि तत्व क्या है जिसके भी जिससे ये सारा संसार बनाया गया है। इसके बाद फिर से देखिए, अब मैं आपको उस तरफ ले जा रही हूँ जहाँ से दर्शन का जो वृक्ष है वो बड़ा हो रहा है, जहाँ मूल तत्वों से हट करके एक प्रत्यय की बात की जा रही है, जिसे हम कहते हैं बुद्धिवादी दार्शनिक। बुद्धिवादी दार्शनिकों में अगर मैं बात करूँ, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु की, तो प्लेटो ये मान बैठे थे कि जड़ द्रव्य का जो स्वरूप है उससे अधिक जो इम्पोर्टेंट है वो है उसका आइडिया, प्रत्यय, और टेबल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है टेबलनेस। तो उन्होंने कहा कि जो जड़ तत्व है वो मैटर का बना है, अतः वह खत्म हो सकता है, वो समाप्त हो सकता है, लेकिन जो जड़ तत्व के अंदर जो उसका प्रत्यय है, आइडिया है, वह समाप्त नहीं होगा और ये इनेट है। तो प्लेटो ने कहा कि अल्टीमेट रियलिटी एग्जिस्ट इन आइडियाज। और वहीं अगर हम देखें तो अरस्तु ने क्या बताया, अरस्तु ने बताया जो प्लेटो का शिष्य है, जहाँ प्लेटो प्रत्यय की बात कर रहे हैं, आइडियाज की बात कर रहे हैं, वो मैटर को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि अगर हम देखें सोफिस्ट को देखें, जिसमें हम चाहे हेराक्लीस की बात करें, वो मैटेरियलिस्टिक है, वो पूरे तरीके से उस तत्व की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन प्लेटो के आने से एक आइडियलिज्म की बात आ रही है कि नहीं, ये मैटर जो है वो समाप्त हो रहा है, लेकिन मैटर का जो आइडिया है वो जन्मजात है, वो फाइनली इनेट है, इमॉर्टल है। अरस्तु ने बताया कि विश्व के सभी पदार्थ विकासात्मक हैं, उसमें परिवर्तन और विकास होता है, यह विकास निश्चित रूप से एक दिशा में होता है। अरस्तु ने एक विज्ञान का छात्र होने के नाते थ्योरी ऑफ कॉज़ुअलिटी दी, कॉज़ुअलिटी। अरस्तु ने फॉर्म्स की बात की और चार प्रकार के कारण बताए।
अरस्तु का कहना था कि चार प्रकार के कारण हैं जिसके कारण यह जो विश्व है वो रचा गया है। उसने चार प्रकार के कारणों को इस प्रकार बताया। पहला कारण बताया मटेरियल कॉज, जिस द्रव्य के कारण, जिस सामग्री के कारण किसी वस्तु का निर्माण होता है। आप गर्मी के मौसम में अपने घर में घड़ा लेके आते हैं, आप घड़ा लेके आते हैं वो प्रकृति का एक तत्व है जो मिट्टी है, मिट्टी से बना है। तो क्योंकि अरस्तु एक विज्ञान का छात्र है तो वो एक यथार्थवादी चिंतक की तरफ बढ़ रहा है। जहां प्लेटो एक प्रत्यय की बात कर रहे हैं वहीं अरस्तु उस मिट्टी को भी इम्पोर्टेंस दे रहा है। जहां प्लेटो के लिए घड़े का आकार, जहां वो एक टेबल नेस में पड़े हुए हैं, वहीं अरस्तु उस मिट्टी को महत्व दे रहे हैं और कारणता का सिद्धांत दे रहे हैं, थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी दे रहे हैं और फोर कॉजेस बता रहे हैं, जिसमें पहला कॉज बताते हैं कि किसी भी वस्तु के निर्माण के पीछे या इस सृष्टि के निर्माण के पीछे जो पहला कॉज है वो है मटेरियल कॉज, जिस द्रव्य या सामग्री से किसी वस्तु का निर्माण होता है। दूसरा कारण है इफिशियंट कॉज, जिस शक्ति से किसी वस्तु का निर्माण होता है। किसी वस्तु में दो तथ्य होते हैं, आप किसी वस्तु में दो तथ्य को देखते हैं, एक द्रव्य और एक आकार। किन्हीं दो पदार्थों का मैटर एक हो सकता है, आप घर में घड़ा रखें या मिट्टी की प्लेट रखें। दोनों बने मिट्टी से ही हैं, उनके आकार अलग हो सकते हैं। अरस्तु का मानना था कि किसी भी वस्तु में दो तथ्य होते हैं, पहला एक मैटर और दूसरा उसका आकार। मिट्टी का घड़ा या मूर्ति या कोई प्लेट बनी मिट्टी से है लेकिन उसके आकार अलग अलग है। इफिशियंट कॉज वो है जिस शक्ति से किसी वस्तु का निर्माण होता है। आखिर ये घड़े का निर्माण करने वाला है कौन? कुम्हार। करता कैसे है? चाक से और उस डंडे से जिसे वो घुमाता है। तो चाक, डंडा और वो कुम्हार इफिशियंट कॉज हुए उस घड़े के निर्माण के पीछे, और मिट्टी हुई मटेरियल कॉज। इफिशियंट कॉज हुए कुम्हार, चाक और डंडा। तीसरा कारण अरस्तु ने बताया फॉर्मल कॉज, किसी वस्तु के निर्माण के पीछे कोई प्रयोजन होता है। अगर वो प्रयोजन है तो वो फाइनल कॉज है, राइट? फाइनल कॉज अगर आपके पास नहीं है, अगर किसी चीज के पीछे आपके कोई उद्देश्य नहीं है तो कोई चीज निर्मित नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से अरस्तु ने जो इस जगत और सृष्टि की रचना मेटाफिजिक्स पे बहुत काम किया अरस्तु ने, और उसने इन चार कॉजेशन थ्योरी को बताते हुए मटेरियल कॉज, इफिशियंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज को बताया। आपको इसे जानना क्यों जरूरी है? एक टीचर एजुकेटर को ये चीजें क्यों जाननी चाहिए? फिलोसफी को क्यों जानना चाहिए? मुझे लगता है कि बिना दर्शन की समझ के एक टीचर एजुकेटर अपने छात्र के बारे में उस तरीके से नहीं जान सकता जैसे उसे जानना चाहिए। एक छात्र आपको बाहर से दिखाई देता है, आप उसको कुछ समझाना चाहते हैं, आप जिस कंटेंट को पढ़ाना चाहते हैं उस कंटेंट की आपको पूरी तैयारी से आते हैं, लेकिन वो कंटेंट छात्र नहीं है। आपको छात्र को जानना पड़ेगा। तो छात्र को जानने के लिए फिर मटेरियल कॉज, इफिशियंट कॉज, फॉर्मल कॉज, फाइनल कॉज, उस सिद्धांत से उसके फॉर्म्स को समझ सकते हैं। तो एक दार्शनिक जो है वो किसी भी नोइंग की प्रोसेस में पेडागॉजिकल प्रैक्टिस से ज़्यादा नोवर को जानने की कोशिश करता है कि मेरा विद्यार्थी कौन है, मेरे विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन कैसे आ सकता है, कैसे मैं उसके अंदर ये मूल्य विकसित कर सकता हूँ, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल एक कंटेंट को पढ़ा देना, रटा देना या कुछ और। दर्शन केवल एक मानसिक व्यायाम नहीं है कि आप मानसिक रूप से सोच रहे हैं, यह आचरण का विज्ञान है। ये कितना आपके व्यवहार में परिलक्षित होता है, और जब व्यवहार में परिलक्षित होता है तो वही शिक्षा दिखाई देती है। तो यहाँ पे मैं ये फिर से पाश्चात्य दार्शनिकों तक अपने आप को लिमिट करूंगी, क्योंकि मैंने जो विषय लिया है वो लिया है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ फिलोसफी। तो जो अरस्तु की कॉजेशन थ्योरी आई, अरस्तु ने जब कॉजेशन थ्योरी दी तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये काफी साइंटिफिक थी और रियलिस्ट थी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को रैशनलिस्ट फिलोसफर कहा जाता है, बुद्धिवादी फिलोसफर कहा जाता है, क्योंकि जहां सुकरात ने अल्टीमेट रियलिटी को जानने के लिए साइलॉजिस्टिक मेथड को दिया, साइलॉजिस्टिक मेथड अर्थात प्रमाइसेस बनाई, ऑल मैन आर मॉर्टल, ये फाइनल प्रमाइस है। तो वो किसी दो प्रमाइसेस के आधार पर आई,
तो सुकरात ने साइलोजिस्टिक मेथड के द्वारा अल्टीमेटली क्या लोगों में रीजनिंग पैदा की, लोगों में लॉजिक पैदा किया। ऐसे ही किसी बात को ना मान लेना कि ये बाइबल में लिखी है, ये गीता में लिखी है, ऐसे किसी बात को नहीं मानना, बल्कि संवाद के द्वारा, डायलॉग के द्वारा, एक दूसरे से बात विवाद के द्वारा एक एक फाइनल प्रीपोजिशन को लाए। तो सुकरात हो या प्लेटो हो या एरिस्टोटल हो, ये तीनों बुद्धिवादी दार्शनिक क्यों कहे जाते हैं और बुद्धिवादी दार्शनिक क्या सोचते हैं? बुद्धिवादी दार्शनिकों के लिए सत्य क्या है? बुद्धिवादी दार्शनिकों के लिए पाश्चात्य दर्शन में सत्य वह है जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, जो बदलता नहीं है। आखिर ये बदलता नहीं है, अनचेंज है, अल्टीमेट है। जैसे मैथमेटिक्स 2+2=4, चाहे वो इंडिया का स्टूडेंट पढ़े चाहे अमेरिका का स्टूडेंट पढ़े, 2+2=4 एक यूनिवर्सल ट्रूथ माना जा रहा है। तो ये सार्वभौमिक है क्योंकि सब जगह मान्य है, इसीलिए ये सत्य है, ऐसा मानना था प्लेटो का। इसीलिए अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ये मान के चलता है कि मैथमेटिकल नॉलेज जो है वो क्योंकि प्रूव्ड है और वो सब जगह एक जैसी है, इसलिए ये यूनिवर्सल है और यही अल्टीमेट ट्रूथ है। तो इसलिए उसने अपनी जो एकेडमी में जो विषय रखा उसमें उसने गणित को बहुत महत्व दिया, राइट? और अधिकांशतः जो दार्शनिक हैं वो गणितज्ञ हैं या कोई वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, तो इनका अपना एक सोचने का नज़रिया हुआ, लेकिन बड़ा लिमिटेड नज़रिया था ये। तो अगर हम इसकी बात करें कि जो प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेट्स हैं, ये सार्वभौमिकता की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सैलिटी की तरफ जा रहे हैं, अनचेंज की तरफ जा रहे हैं। जो चेंज हो जाएगा वो सत्य नहीं है। आधुनिक दर्शन के प्रवर्तक डेकार्ट को माना जाता है। डेकार्ट ने बताया कि जिसमें विस्तार हो वो जड़ द्रव्य है, अविस्तृत पदार्थ जड़ तत्व तो नहीं है। जॉन लॉक ने आइडिया ऑफ सेंसेशन और आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत सेंस ऑर्गन और सेंसेस से मिलने वाली नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी। तो अगर मैं बात करूँ डेकार्टे की, तो डेकार्ट की मैं आगे चर्चा करूँगी। अभी मैं बुद्धिवादी दार्शनिकों की बात कर रही हूँ कि ये तीनों जो है मान के चले थे कि सार्वभौमिक तथ्य ही तथ्य है, तो इनके लिए वो ज्ञान इम्पोर्टेंट था जो कि न बदले, जो कि ए प्रायोरी हो। और अगर मैं इसी से जोड़ करके अनुभववादियों की बात करूँ, तो जॉन लॉक ने अनुभववाद की स्थापना की, इम्प्रेसिज्म की नींव रखी। अनुभववादियों का मानना था कि ज्ञान का केवल एक मार्ग है, वह है अनुभव, बुद्धि नहीं। There is nothing in the intellect which was not primarily come from the sense. इसके अनुसार सभी ज्ञान अनुभव से प्रेरित होते हैं। लॉक मानता नहीं है कि कोई चीज innate है, जन्मजात है, वो ऐसी चीजें नहीं मान रहा है। वो कह रहा है नहीं, जो भी ज्ञान आ रहा है वो हमारे द्वारा, हमारे पास कैसे आ रहा है? अनुभव के द्वारा आ रहा है। तो यहाँ से बुद्धिवादियों से तर्क वितर्क करते हुए किसका जन्म हो रहा है पाश्चात्य दर्शन में? अनुभववादियों का दर्शन हो रहा है। और अनुभववादियों में सबसे पहले जॉन लॉक की बात करते हैं। जॉन लॉक ने जिस ज्ञान की बात की वह अनुभव सापेक्ष ज्ञान है, वह ए पोस्टरिडी नॉलेज है। प्राचीन काल में अनुभववाद इम्प्रेसिज्म के समर्थक सोफिस्ट थे। सोफिस्ट जिनकी बात मैंने शुरू में की, प्राचीन यूनानी समर्थक हेराक्लीस, डेमोक्रिट्स, थेस, एनेक्सोरस, जिनकी मैंने बात की कि ये पांच तत्व इन्होंने दिए, वो सारे सोफिस्ट जो थे वो अनुभववादी थे, क्योंकि वो जल तत्व को देखते थे तो जल को मान रहे थे, अग्नि तत्व को देख रहे थे तो अग्नि को मान रहे थे, जो देख रहे थे उसको मान रहे थे, जिसको अनुभव कर रहे थे उसको मान रहे थे। तो जो इम्प्रेसिस्ट हैं, जो अनुभववादी हैं, उनके जो समर्थक हैं वो है सोफिस्ट, प्रोटोगोरस और गौरिगस। ये वो समर्थक हैं जो प्राचीन काल के हैं। अगर मैं वर्तमान दार्शनिक हूँ, जो पाश्चात्य लेटेस्ट अभी दार्शनिक हैं, तो उसमें बेकन, बर्कले, ह्यूम, फिर से मैं रिपीट करूंगी, बेकन, बर्कले और ह्यूम ने अनुभववाद के पेड़ को विकसित किया। बुद्धिवाद के पेड़ को किसने विकसित किया? प्लेटो, सोक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल ने बुद्धिवाद के पेड़ को विकसित किया। वही अनुभववाद के पेड़ को किसने विकसित किया वर्तमान पाश्चात्य दार्शनिकों में? बेकन, बर्कले और ह्यूम ने अनुभववाद के वृक्ष को विकसित किया। इसके साथ साथ हॉब्स और गैजेंडी भी इसी मत के समर्थक थे, और मिलकर दर्शन भी अनुभववादी दर्शन है। लॉक ने माना कि मन में कोई जन्मजात कृत्य नहीं होता। आप
ये मान के चल रहे हैं कि मन में बुद्धि है और बुद्धि जो है किसी चीज को सीखने में मदद करती है। केवल बुद्धि से काम नहीं चलता, केवल बुद्धि से हम नहीं सीखते हैं। लॉक ने कहा कि मन जन्म से एक सफेद कागज की भांति है, धीरे धीरे अनुभव के द्वारा मनुष्य सीखता है। और अनुभव के दो साधन होते हैं, एक संवेदन और दूसरा रिफ्लेक्शन। आइडिया ऑफ सेंसेशन एंड आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉक ने दिया है कि हम जब किसी चीज को सीखते हैं तो वो संवेदनाएं हमारे सेंस ऑर्गन से हम ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद हम उस चीज के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बाद में लॉक ने जो मैटर के गुणों को बताया वो दो प्रकार के गुण बताए, एक प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी। इस प्रकार से लॉक ने कई ऐसे लिखे और ऐसे में लिखते हुए उसने बुद्धिवादियों को नकार दिया। लॉक ने सरल आइडियाज और जटिल आइडियाज की बात की, सिंपल आइडियाज एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, प्राइमरी क्वालिटीज एंड सेकेंडरी क्वालिटीज। कॉम्प्लेक्स क्वालिटीज के अंतर्गत लॉक ने कहा आइडिया ऑफ रिलेशन, आइडिया ऑफ मूड्स, आइडिया ऑफ सब्सटेंस, जो आत्मा, भौतिक द्रव्य और ईश्वर। इसी क्रम में मैं बता रही हूँ कि बर्कले ने लॉक के अनुभववाद को स्वीकार कर लिया, अनुभव को ही ज्ञान का प्रमाण माना, और ह्यूम ने माना कि विचार संवेदनावाद से उत्पन्न होते हैं। कोई भी विचार ऐसे नहीं आता, हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई संवेदना मिलती है, तब उत्पन्न होता है। भारतीय दर्शन में केवल चार्वाक मत ऐसा है जो शुद्ध अनुभववादी दर्शन का समर्थक है, अन्यथा भारतीय दर्शन प्योर मेटाफिजिकल या कह लीजिए बियॉन्ड की कल्पना पर आधारित है। अनुभववाद का सिद्धांत बुद्धि को निष्क्रिय बनाता है, वहीं बुद्धिवादी रीजन, लॉजिक और आइडियाज पर आधारित है और अल्टीमेट ट्रुथ को ही ट्रुथ मानते हैं। बुद्धिवादियों के लिए वास्तविक ज्ञान सत्य है, वह सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, अनिवार्य है, और यह सार्वभौमिक तथ्य किसी देश और काल की परिस्थिति में बना हुआ नहीं है, यह हर देश और काल में निरंतर है और यह बदलता नहीं है, सनातन है। वह बुद्धि को जन्मजात शक्ति मानते हैं, वो मानते हैं कि हमारे अंदर ऑलरेडी एक इनेट आइडियाज हैं जिसके तहत हम सीखते हैं। माना कि यह वो मानते हैं कि यह बुद्धि अनुभव से स्वतंत्र है, हमें अनुभव नहीं भी है तो भी हमारे पास बुद्धि है तो हम सीख सकते हैं। बुद्धि ज्ञान को उत्पन्न करने का कारण है, इसलिए बुद्धिवादियों का जो नॉलेज है, देखिए मैं यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी को डिस्कस कर रही हूँ। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इन केस ऑफ रैशनलिस्ट द सोर्स ऑफ नॉलेज इज आइडिया इनेट योर इंटेलेक्ट, बट इन केस ऑफ इंप्रेसिस द सोर्स ऑफ नॉलेज इज सेंसरी ऑर्गन, राइट। तो बुद्धिवादियों ने जिस ज्ञान को उत्पन्न किया उसे कहते हैं ए प्रायरी नॉलेज। उनका मानना है कि इंद्रियां बाहर से खबरें लाती हैं, उनका कार्य केवल ग्रहण करने का है और बुद्धि ज्ञान को उत्पन्न करती है, और यह क्रियाशील है, यह जन्मजात शक्ति है और यह स्वयं सिद्ध है। तो बुद्धि को एक्ज्यूमेटिक कहा। प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज, हीगल इसके समर्थक हैं। तो बुद्धिवादियों में मैंने किन किन पाश्चात्य दार्शनिकों के नाम आपको बताए, शुरू करिए फिर से। सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल, देन डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज एंड हीगल, ये वो हैं जो कि बुद्धिवादियों के पेड़ पर लगे हुए हैं। डेकार्टी ने जहां बताया कि मस्तिष्क के अंदर तीन तरीके के आइडिया हैं, डेकार्ट जो कहता है कि एवरीथिंग वी नोन थ्रू द डाउट्स, हम संदेह करके किसी चीज को सीखते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, दैट द थ्योरी इज गिवन बाय द डेकार्टी, राइट। सो डेकार्टी ने बताया कि ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर तीन प्रकार के प्रत्यय हैं। पहला बाह्य प्रसूत प्रत्यय, जिसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस, अर्थात जिसकी उत्पत्ति बाह्य वस्तु से होती है। जब हम बाह्य वस्तु देखते हैं, मान लीजिए अभी आप बाहर निकले, अपने आसमान में देखें काले बादल, थोड़ी देर में देखें बादल चले गए, तो जो बाह्य रूप से बाह्य वस्तु से देख रहे हैं वो निश्चित ज्ञान नहीं है, वह भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और असत्य होता है और वहां संदेह होता है। दूसरा प्रत्यय डेकार्टी ने बताया फैक्टिशियस कल्पना, जैसे कोई सोने का पहाड़ बना ले कल्पना में, वह भी सत्य नहीं है। इसी तरीके से उसने तीसरा जो बताया प्रत्यय, वो बताया इनेट आइडिया, जिसमें उसने कहा बुद्धि ही सबसे
सत्य प्रत्यय है और ये जन्म से विद्यमान रहती है। और उसमें उसने कहा कि तीन चीजें हमारे बुद्धि में तीन रहती हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा और कारणता का सिद्धांत। डिकार्टी ने कहा ये ऑलरेडी हमारे पास होता है। डिकार्टी के साथ साथ बुद्धिवाद का समर्थक था स्पिनोजा। स्पिनोजा के अनुसार ज्ञान के दो साधन हैं। I'm just discussing not metaphysical, I'm here discussing about epistemological concern, knowledge in बुद्धिवादी, that is rationalist and empiricist। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपको पाश्चात्य दार्शनिकों ने कैसे ज्ञान की खोज की, कैसे शिक्षा की अवधारणा में बाद में लेके आऊंगी। मैं दार्शनिकों की बात कर रही हूँ कि कैसे उन दार्शनिकों ने कहा क्या सत्य है, कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बुद्धिवादियों ने मान लिया कि बुद्धि के द्वारा होती है, जिसमें डिकार्टी ने मान लिया कि डाउट के द्वारा होती, संदेह के द्वारा होती है, जिसमें सुकरात ने मान लिया कि साइलॉजिस्टिक मेथड के द्वारा, वाद और विवाद करके प्रमाइसेस स्थापित करके होती, जिसमें प्लेटो ने मान लिया कि नहीं, ये तो ऐसी कैलकुलेशन है जो कि अल्टीमेटली सार्वभौमिक होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। एरिस्टोटल ने मान लिया कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन के द्वारा हमें चीज़ों को पता लगता है, मैटर और फॉर्म्स को मान लिया। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि धीरे धीरे जब आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तब आप इस संप्रति को एजुकेशन से क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, और आप ये देखेंगे कि किस तरीके से दर्शन में एक्टिविटी निहित है। दर्शन केवल चिंतन नहीं है, ये लोग चिंतन कर रहे हैं और उसके बाद वैसे ही समाज को निर्मित कर रहे हैं। प्लेटो वैसे ही पॉलिटिक्स को लिख रहा है, एरिस्टोटल वैसे ही लूसीपीडियस को स्थापना कर रहा है, वैसे ही स्कूल बना रहा है, वैसे ही करिकुलम बना रहा है जैसा उसका चिंतन है। तो इसको समझना जरूरी है कि पाश्चात्य दार्शनिकों ने कैसे कैसे अनुभववादियों का जन्म हुआ, कैसे बुद्धिवादियों का जन्म हुआ, और कैसे बुद्धिवादी और अनुभववादी दोनों को इंटीग्रेट करके कांट, इमैनुअल कांट का जन्म हुआ, और फिर किस तरीके से ये सारे दार्शनिकों ने शिक्षा और समाज को और राजनीति को प्रभावित किया, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। दूसरा प्रत्यय, अगर हम स्पिनोजा की बात करें तो डिकार्टे ने डाउट की बात की, और स्पिनोजा के अनुसार दो साधन हैं किसी चीज को समझने के, पहला कल्पना और दूसरी बुद्धि। कल्पना के अंतर्गत इंद्रिय प्रस्तुत ज्ञान, स्मृति, भाव और आवेग आते हैं। ये एक अपूर्ण ज्ञान है, आवेगित, आप हमेशा आवेग में नहीं रहते हैं। बुद्धि से सत्य ज्ञान होता है, बौद्धिक ज्ञान श्रेष्ठ है। तो स्पिनोजा ने भी अनुमानित ज्ञान और अंतर्दृष्टि के द्वारा ज्ञान, उसका कहना था कि जो ज्ञान आपको इंट्यूशन के द्वारा आ रहा है, जो ज्ञान आप अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धि के द्वारा ले रहे हैं, वही सही ज्ञान है। लाइबनीज ने भी बुद्धि को महत्व दिया, मैं बुद्धिवादियों की बात कर रही हूँ। लाइबनीज ने बुद्धि को ही ज्ञान का साधन माना, और उसके अनुसार जो मूल तत्व है वह है चिद बिंदु, कॉन्शियसनेस। बुद्धि को कॉन्शियसनेस के रूप में बताया, और लाइबनीज ने इस चिद बिंदु को कहा मोनाड। मनुष्य भी उन मोनाड का एक समष्टि है। ज्ञान बाहर से नहीं मिलता, बल्कि जन्मजात होता है और इन मोनाड से ही प्रति सामने दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार मैं लाइबनीज तक आपको ले आई, कहाँ से लेकर आ रही हूँ, यूनानी मत से लेकर आ रही हूँ, थेल्स, हेराक्लीस, एनेक्समेंडर, देन डेमोक्रिट्स, यूनानी मत से बाद में लाई आपको सुकरात, देन प्लेटो, देन अरस्तु, उसके बाद में आपको लेके आई डिकार्ट, डिकार्ट के बाद स्पिनोजा, स्पिनोजा के बाद लाइबनीज। तो लाइबनीज क्या कहता है कि हम जो मनुष्य हैं वो चिदड़ुओं के बने हैं, कॉन्शियसनेस के बने हैं। जो कीट पतंगे हैं उनमें भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो बुद्धि है, वो थोड़ी ज़्यादा है। तो हम अपने मोनाड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, मोनाड यानी चिदअणु, और ज्ञान बाहर से नहीं मिलता है बल्कि जन्मजात होता है, और ये मोनाड जो है विश्व का प्रतीक है, उसने पूरे विश्व को मोनाड कहा है, और चिद अणुओं के आधार पर विश्व की प्रकृति को बताया है। तो लाइबनीज के बाद आता है हीगल। हीगल ने बुद्धि तत्व को मूल तत्व माना है और बुद्धि तत्व को सर्वव्यापक माना है। उसने माना कि जो बुद्धि है वो मानव में भी है और प्रकृति में भी है, और हीगल ने एक अलग धूम मचा दी थी। 19वीं शताब्दी का सबसे अच्छा दार्शनिक माना गया, जिसे कहते हैं कि जिसने डायलेक्टिकल थ्योरी को दिया। उसने कहा कि इस पूरे विश्व में जो भी कुछ है वो डायलेक्टिज्म के थ्रू है। हम कुछ भी समझते हैं तो तीन प्रोसेस में समझते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी, आप मनुष्य हैं, आप किसी राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्र किसी विश्व में रहता है,
तो उसने कहा कि अगर विश्व थीसिस है, विश्व क्या है, थीसिस है, राइट, और मनुष्य क्या है, उसका एंटीथीसिस है, मनुष्य एक व्यक्ति है, एक अकेला व्यक्ति, और विश्व क्या है, उस व्यक्तियों की समष्टि है, तो एक थीसिस है और दूसरा एंटीथीसिस है, तो विश्व और मनुष्य के बीच में जो संयोजन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, राष्ट्र के थ्रू, नेशन। तो थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, या ये कह लीजिए नेशन की जो कल्पना है वो सिंथेसिस है। सो थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, दैट इज डायलेक्टिज्म। तो हीगल ने जो बात की वो कहा कि जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है एक मनुष्य के रूप में, हम तीन प्रक्रिया से लेते हैं, थीसिस के थ्रू, एंटीथीसिस के थ्रू और सिंथेसिस के थ्रू। हम कोई भी बात समझते हैं तो पहले उसे एक रूप में देखते हैं, फिर उसे विश्लेषित करते हैं और फिर उसमें समायोजन करते हैं। तो पाश्चात्य दार्शनिकों ने, बुद्धिवादियों ने अनुभव को का विरोध किया और इस प्रकार से ए प्रायोरी नॉलेज को स्थापित किया। लेकिन अगर हम ये देखें कि बुद्धिवादियों ने ये किया तो अनुभववादियों ने क्या किया, अनुभववादियों ने अनुभव की स्थापना की। उनके लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, अनुभव, एक्सपीरियंस। अगर मैं ये कहूँ कि बुद्धिवादी और अनुभववादियों में कमियाँ थी, बुद्धिवादियों ने अनुभव को नकार दिया, अनुभववादियों ने बुद्धि को नकार दिया, क्या ऐसा संभव है कि ज्ञान केवल बुद्धि से या केवल अनुभव से प्राप्त हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कांट की बात करते हैं, कांट के युग में ज्ञान संबंधी, कांट से पहले पाश्चात्य दार्शनिक इमैनुअल कांट से पहले दो सिद्धांत फेमस थे, एक बुद्धिवादी सिद्धांत और दूसरा अनुभववादी। बुद्धिवादी अनिवार्य और सार्वभौम आधारित ज्ञान को सही मान रहे थे और अनुभववादी अनुभव आधारित, संभावना आधारित ज्ञान को और जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसे सही मान रहे थे। कांट ने दोनों की त्रुटियों को देखा और दोनों मतों को अपूर्ण माना और दोनों को डॉगमेटिक कहा कि दोनों ही बहुत फोर्सफुल्ली किसी अच्छी चीज को पकड़, एक को पकड़ रहे हैं तो दूसरे को छोड़ रहे हैं। कांट ने दोनों वादों का सहयोग किया। उसने कहा कि अनुभव से ज्ञान के विषय में नवीनता आती है और बुद्धि से ज्ञान का आकार बनता है। ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव और बुद्धि दोनों के द्वारा होती है। मान लीजिए यहाँ तो अनुभव है, यहाँ बुद्धि है, तो ज्ञान ना तो अकेले इससे आएगा ना अकेले इससे आएगा। ये ज्ञान तब आएगा जब ये दोनों हाथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यानी अगर मैं इसको एक सिंपल से उदाहरण से आपको मैं व्यक्त करूं तो जो आप सीखते हैं, जो भी कुछ आप सीखते हैं तो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आता है। तो सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज लेनी है तो वो ज्ञान बिना सेंसेस के नहीं आएगा। आइडिया ऑफ रेडनेस, आइडिया ऑफ ग्रीननेस, आइडिया ऑफ टेबलनेस, ये टेबलनेस, रेडनेस, ग्रीननेस, ये किसी ब्लाइंड पर्सन के लिए और किसी आंख वाले पर्सन के लिए, आइडिया ऑफ रेडनेस में अंतर होगा। हो सकता है कि आप किसी ब्लाइंड पर्सन के लिए कहें कि एक नई नववधु आ रही है जिसने लाल रंग का वस्त्र पहना है, तो वो ब्लाइंड पर्सन अपने माइंड में एक आइडिया रखेगा कि लाल रंग का वस्त्र मतलब कुछ चमकीला, ब्राइट। आप क्या सफेद रंग का पहना है तो डन, लेकिन क्या वो वही चीज बता पाएगा जो रेडनेस है या जो व्हाइटनेस है? तो आप सेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो आइडिया ऑफ सेंसेशन, यानी ज्ञान संवेदनाओं का आवरण लेकर के अपने अंदर आता है, और अगर उन संवेदनाओं के आवरण से आता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, मस्तिष्क में जाता है, जहाँ पे मेंटल कैटेगरीज की बात की। किसने, कांट ने, इमैनुअल कांट ने 12 तरीके की मेंटल कैटेगरीज की बात की और कहा कि मनुष्य के दिमाग में वो मेंटल कैटेगरी होती हैं। जैसे आप किसी चीज को अगर किसी ग्लास में देख रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि ग्लास किस शेप का है, किस आकार का है, यानी वो आकार आपके दिमाग में है। यह आधा भरा हुआ है, भाव है कि अभाव है, पूरा भरा हुआ है। तो कांट ने चीजों को मेंटल कैटेगरीज में बांटा और उसने 12 तरीके की मेंटल कैटेगरीज बताई और उसने कहा कि जो ज्ञान है वो दोनों तरीके से आता है, एक बुद्धि से भी आता है और अनुभव से भी आता है। तो मानव मन में उसने तीन प्रकार की शक्तियां बताई, पहली ज्ञान शक्ति, दूसरी नैतिक शक्ति, तीसरी निर्णय शक्ति। पहली ज्ञान शक्ति, दूसरी नैतिक शक्ति और तीसरी निर्णय शक्ति।
ज्ञान शक्ति दो प्रकार की होती है, संवेदनशीलता और बुद्धि। संवेदनाएं इंद्रियों से ग्रहण होती है और इन संवेदनाओं को भी आप ऐसे नहीं ग्रहण करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स भी किसी देश और काल में ही देखे जा सकते हैं। आपका जो सेंस है वो केवल इसी देश और काल में देखा जा सकता है, आप इस देश काल से अलग हट के कुछ नहीं देख सकते हैं, आप कुछ एक डिस्टेंस तक देख सकते हैं। तो उसने देश और काल को आवरण बताया, कवर बताया। तो उन संवेदनाओं को देश और काल के ढांचे में लाती हैं कौन? सेंसरी ऑर्गन खींच के लाते हैं। देश और काल से अलग किसी वस्तु का अनुभव नहीं किया जा सकता। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जैसे मेरा लाइव सेशन होना है या मेरा आज की डेट है, तो आप मुझसे 8 जून को इतने बजे मिल रहे हैं, क्या मुझसे आप 10 जून को इतने बजे मिल सकते हैं अगर ये ना लाइव सेशन हो? तो आप किसी देश और काल के परिप्रेक्ष्य में चीजें सीख रहे हैं। तो जहां बुद्धिवादी और अनुभववादियों ने देश और काल को इग्नोर किया था, वहीं कांट ने देश और काल की बात की। तो देश और काल की बात की, स्पेस एंड टाइम की बात की, सेंस ऑर्गन्स की बात की, सेंसरी अंडरस्टैंडिंग की बात की, वहीं उसने बुद्धि की भी बात की। तो कांट ने बुद्धिवादियों और अनुभववादियों के बीच में क्या कर दिया? संयोजन कर दिया। सो कांट का कहना था कि जो वस्तु का अनुभव है वो देश और काल के परिपेक्ष में होता है। प्योर अंडरस्टैंडिंग, शुद्ध बुद्धि संवेदनाओं को संबंधित करके वाक्यों का रूप देती है। जो संवेदनाएं आती हैं, मान लीजिए आप देख रहे हैं कोई चीज गर्म है, तो वो गर्म आपके फिर मस्तिष्क में जाएगी और गर्म की संवेदनाओं का मेंटल कैटेगरी आपके मस्तिष्क में होगी और वहां जाकर के एक वाक्य आएगा। और संवेदनाओं को 12 मेंटल कैटेगरी में बांटने का काम किसने किया है? कांट ने किया है। उन्होंने बुद्धि में 12 जन्मजात धारणाएं बताई, भाव, अभाव, सीमित भाव, संपूर्णता, अनेकता, कार्य कारण सिद्धांत, संभावना, वास्तविकता आदि। ये बुद्धि के वो सांचे हैं। हर बुद्धि के सांचे में वो संवेदना आके बैठती है और फिर एक वाक्य का निर्माण होता है और जिसमें ढल करके देश और काल के परिप्रेक्ष्य में आप बात करते हैं। इसलिए कांट ने कहा, संवेदना बिना बोधों के अंधी है, संवेदना बिना बोधों के अंधी है और शुद्ध बोध बिना संवेदना के खोखला है। Perceptions without concept are blind. Perceptions without concept are blind and concept without perception are empty. Water, अगर हम ये बात करें कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो इस तरीके से एक पेड़ है, इस तरीके से वो लोग किसी बात पे सोच रहे हैं, राइट? अगर मैं आपसे कहूँ क्या कांट पर आकर के पाश्चात्य दर्शन रुक गया? नहीं। क्या दर्शन पाश्चात्य तरीके से यहीं पर ही खड़ा हो गया? नहीं। कांट के आगे भी लोगों ने इसी तरीके से नॉलेज और नोइंग की प्रोसेस को लेकर आए। अब देखिए, आपने अभी दो पक्ष पढ़े। तीसरा पक्ष अगर मैं कहूँ कि फिलॉसफी जो है वो केवल स्कूल ऑफ थॉट अप्रोच नहीं है। अक्सर बीएड एमएड के बच्चे जो हैं वो ये पढ़ते हैं कि फिलॉसफी आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद है। ये स्कूल ऑफ थॉट अप्रोच है जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने किसी मसले पर, किसी मामले पर एक तरीके से दार्शनिकों ने सोचना शुरू किया और अपना एक मत स्थापित किया। दर्शन केवल स्कूल ऑफ थॉट अप्रोच नहीं है, दर्शन किसी चीज को जानने की, फिलोसोफाइज करने की प्रक्रिया है। फिलोसोफाइज करना मतलब उसे अपने तरीके से जानने की एक प्रक्रिया है और इसी अपने तरीके से जानने की प्रक्रिया में फिर आगे देखो पाश्चात्य दर्शन कैसे जाता है। पाश्चात्य दर्शन बहुत तरीके से बढ़ रहा है। जहाँ कांट ने संयोजन किया, तो कांट इज अ इंटीग्रेटेड फिलोसोफर, राइट? उसके आगे देखो कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स को भी हम फिलोसोफर मानते हैं। मार्क्सिज्म को हम स्कूल ऑफ थॉट अप्रोच नहीं कहते हैं। स्कूल ऑफ थॉट अप्रोच मीन्स इज्म, जिसमें हम वाद की बात करते हैं। मार्क्सिज्म को हम आइडियोलॉजी कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक डिफरेंस आपके सामने स्थापित करूंगी कि इज्म और आइडियोलॉजी में क्या अंतर है। वेस्टर्न फिलोसफी में अगर मैं बात करूँ इजम्स की, तो आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इन चीजों की आपके सामने बात होती है। जहाँ पे प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवादी, जॉन ड्यूबी अपने
डिस्कवरी लर्निंग एक्टिविटी मेथड की बात कर रहा है, उसके आगे आ जाइए आप, क्योंकि इज्म आप बीएड से लगातार पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे आइए। आइडियोलॉजी, इज्म कुछ दार्शनिकों का मत है, वो जो एक तरीके से किसी चीज को देखते हैं और उसे एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म को लोग इज्म मानते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म इज्म से थोड़ा सा अलग है, अस्तित्ववादी थोड़ा अलग है, वो व्यक्तिवादी समझ को लेकर के आ रहे हैं, वो डेकार्टे के आइडिया आई थिंक देयरफॉर आई एम नहीं है, वो आई चूज देयरफॉर आई एम है। एग्जिस्टेंशियलिज्म में आई इम्पॉर्टेंट है, मैं सोचता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोनॉमी, अपनी अपनी चॉइस इम्पॉर्टेंट है, अपनी फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ एग्जिस्टेंशियलिज्म ने एक नई तरीके से सोचने की का मार्ग खोला, जब एक नई तरीके से सोचने का मार्ग खुला तो एग्जिस्टेंशियलिज्म ऐसे नहीं आ गया था, लोग ऐसे ही समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन समाज में सब कुछ अगर मूल्य मोरालिटी वगैरह सब कुछ एक्सियोलॉजी पूर्व निर्धारित मेटाफिजिकल हो जाएगी, जैसे मेटाफिजिक्स में यूनिवर्सल रियलिटी की बात की जाएगी, तो फिर हो सकता है कि लोग मेटाफिजिक्स को क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। वेस्टर्न फिलोसफी ने मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट किया, उन्होंने मेटाफिजिक्स को एक ट्रेडिशनल फिलॉसफी माना, उनका कहना है कि ये मेटाफिजिक्स एक यूनिवर्सैलिटी के लिए एक मर्यादा स्थापित करती है और इस मर्यादा में बंद करके मनुष्य एक क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाता है, और उन्होंने इसे ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन कह के मेटाफिजिक्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और जब मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट किया, तभी वहां से उन्होंने अपनी फिलॉसफी को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, अपनी एग्जिस्टेंस। उन्होंने एसेंस, टेबलनेस से ज्यादा टेबल को भी इंपॉर्टेंस दी, देयर इज टेबल दैट्स व्हाई देयर इज टेबलनेस, सो एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, वहां एसेंस की बात हो रही है कि एसेंस से ज्यादा एग्जिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो वहां एग्जिस्टेंशियलिज्म मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करते हुए आता है। मोस्टली द वेस्टर्न फिलोसोफर, मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर रिजेक्ट मेटाफिजिक्स, राइट? एंड इन सोशल कंसर्न वे फाइंड आउट आइडियोलॉजीज। व्हाट इज आइडियोलॉजी, हाउ दिस आइडियोलॉजी सर्वाइव? मार्क्सिज्म इज, मार्क्सिज्म टेक्स अ क्लोज, व्हाई मेनी नॉट कॉल्ड इज एज अ इज्म, इट इज आइडियोलॉजी, बिकॉज मार्क्सिज्म इन्वॉल्व एक्सप्लेनेशन और मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन। मार्क्सिज्म किसी चीज को एक्सप्लेन करता है, राइट? तो मार्क्सिज्म एक रिएक्शनरी है कि किसी किसी जगह इशू है, किसी जगह चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पे कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा समाज में अच्छाइयों का अंत हो रहा है, तो वहाँ पे रिएक्शन के थ्रू आया है, तो वो एक आइडियोलॉजी है और जिसे बहुत सारे लोगों ने अपनाया और अपनाने के बाद उस पर काम किया और एक प्रैक्टिकल मोड में आ गई, तो वो एक आइडियोलॉजी बन गई। तो मार्क्सिज्म हो या लिबरलिज्म हो या आप फेरे की फिलॉसफी देखिए, वेस्टर्न फिलॉसफी में क्रिटिकल थिंकर्स को देखिए, अगर आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ फिलॉसफी को जानना चाहते हैं तो आपको आइडियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, आपको लिबरलिज्म देखना होगा और साथ साथ आपको क्रिटिकल थिंकर्स को पढ़ना होगा। क्रिटिकल थिंकर्स किसी भी चीज को उस तरीके से नहीं देखते हैं जो एक अथॉरिटी के सेंस में बता दिया जाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्रिटिकैलिटी का जो आइडिया है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से उत्पन्न हो रहा है, फ्रैंकफर्ट स्कूल में मास कल्चर, जो एक मास कल्चर ऑप्टेन किया जाता है, किसी कल्चर के कल्चर का जो इफेक्ट होता है उसको स्टडी की गई कि ये जो कल्चर है वो किस तरीके से एक मेटाफिजिकल ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस बना देता है और लोग उसी वैल्यूज और नॉर्म्स पे काम करते हुए कुछ नया स्थापित नहीं कर पाते हैं और वो सोसाइटी डायनेमिक ना होकर के एक तरीके से कल्चरल पर्सपेक्टिव में चलती है। इस कल्चर के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो मास कल्चर की स्टडी की उन्होंने। तो उसके बाद वहाँ पे ये हुआ कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात की, तो जो इवानिलिच का आइडिया है वो वेस्टर्न फिलॉसफी में डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का आइडिया है, वो क्रिटिकैलिटी की बात कर रहा है कि अगर अगर पुलिस थाना होते हुए भी चोरी हो रही है तो इस थाने की क्या जरूरत, अगर लोग बीमार हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो अस्पताल की क्या जरूरत, अगर लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लोग समाज में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे तो विद्यालय की क्या जरूरत,
तो वहां से डी स्कूलिंग सोसाइटी का एक आइडिया जेनरेट होता है कि ये जो स्कूल है ये एक तरीके का कल्चरल पैराडाइम बना रहा है और वो एक सोची समझी पॉलिटिकल राजनीति के तहत उस आइडिया को आगे ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रैंकफर्ट स्कूल इस कल्चर पर, इस कल्चर एंड एजुकेशन के रिलेशन पर स्टडी करते हुए डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात कर रहा है। सो वेस्टर्न फिलॉसफी इज नॉट ओनली द स्कूल ऑफ थॉट, इज नॉट ओनली दैट अप्रोच दैट इज लिबरलिज्म, दैट इज मार्क्सिज्म। नो, वेस्टर्न फिलॉसफी हैव अ सो बिग ट्री दैट इज क्रिटिकल थिंकर्स। क्रिटिकल थिंकर्स लाइक पाउलो पेरे, अ गुड फिलोसोफर ऑफ ब्राजील, वो सोचता है कि ये समाज कैसे बदलेगा, क्योंकि दर्शन का जन्म ही इसलिए हुआ है कि शिक्षा ऐसी बनाई जाए जिससे कि समाज में परिवर्तन हो सके। और कैसा परिवर्तन हो सके? जो परिवर्तन समाज में एक मूल्य और एक नया चिंतन स्थापित कर सके। पाउलो पेरेज़न ब्राजीलियन फिलोसोफर एंड वी स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एनसीआई एंड ऑल कैंपसेस पेरियन फिलोसफी। पेरे का कहना ये है कि जब आप टीचर के रूप में किसी चीज को पढ़ाते हैं तो क्लास में टीचिंग करने जाते हैं, लेकिन आपको फिलॉसफी का अगर ज्ञान है तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप टीचिंग कर रहे हैं या इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं। अक्सर हम अपनी कक्षाओं में पढ़ाते समय मोरालिटी की बात करते रहते हैं। आप ऐसे बैठिए, आप सीधे बैठिए, कैसे बैठे हैं, ठीक से बैठिए, किताब खोलिए, कहाँ है ये, हम इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। और अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो हम वैल्यूज की बात करते हैं, सुबह उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इंडॉक्ट्रिनेशन, टीचिंग इज नॉट इंडॉक्ट्रिनेशन, टीचिंग इज नॉट इंस्ट्रक्शन, टीचिंग इज समथिंग एज विच इज एक्टिविटी विद लर्नर, टीचिंग इज समथिंग एज वेयर यू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज विद द हेल्प ऑफ लर्नर। सो हाउ यू अंडरस्टैंड द इंडॉक्ट्रिनेशन एंड द आइडियोलॉजी इंजेक्शन इन द लर्नर थ्रू द फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, इट इज इंपॉर्टेंट। जब आप फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव को समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि मैं इंडॉक्ट्रिनेशन करता रहा। 30 मिनट तो मैं बच्चों को मूल्य पर ही भाषण देता रहा, जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ाया ही नहीं। जब आप पढ़ाने चलते हैं तो आप अपनी आइडियोलॉजी को उसके अंदर क्या करते हैं, भरते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म इज एन आइडियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर somebody think about the Germany that Jews are not so good and the superior Aryans are superior, so they have some nationalism type of ideology and they translate in the classroom. So Hitler ne sabse pehle teachers change kiye aur nationalism ke through usne wo vyavastha lagu ki. So nationalism is an ideology. There is no need to inject the ideology in the classroom. No, teacher is not for the instruction of an ideology. So try to understand why philosophy is important. Philosophy is important because you understand what is belief, what is faith, what is knowledge, what is blind faith, what is ideology, what is theory, what is practice, what is philosophy of education. Philosophy of education is not only ism, philosophy of education is more than ism and it is philosophization of concept. ये किसी कंसेप्ट का क्या होता है? फिलोसोफाइजेशन होता है। यू कम टू, आई जस्ट कम अगेन टू द पेरियन फिलोसफी बिकॉज देयर इज वन कमेंट क्वेश्चन दैट सम लाइंस ऑन अबाउट द पाउलो पेरे। पेरियन फिलोसफी, पाउलो पेरे एक ब्राजील का फिलोसफर है जो बहुत ही गरीब परिवार से पैदा हुआ है। और एक बड़ी छोटी सी मैं उसकी स्टोरी को यहाँ डिस्कस करती हूँ कि पाउलो पेरे की मदर एक बार कहीं बाहर से एक मुर्गा पकड़ के लाते हैं। पाउलो पेरे अपनी किताब लिखता है पेडागॉजी ऑफ ऑपरेस में, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में लिखता है कि उस मुर्गे को मेरी माँ काटती है और हम सब बड़े मन से खाते हैं। अब उसको वो क्यों लिखता है? क्योंकि मनुष्य एक परिस्थिति में पैदा हुआ है, गरीबी में, और वो ये देखता है कि कैसे एक समाज ऑपरेस करता है, किसी को प्रताड़ित करता है। तो वो समाज को दो हिस्सों में बांट देता है, एक ऑपरेसर्स, ऑपरेस करने वाला, और एक ऑपरेस होने वाला। फेरे पूरे समाज को इस दृष्टिकोण से देखने के लिए बाधित करता है कि आप बड़े प्यार से किसी को ऑपरेस कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक और छोटा सा उदाहरण दिया है कि समुद्री मछुआरे अपनी जान की बाजी लगा करके कुछ मछलियां पकड़ कर लाते हैं, और जब दुकानदार वहाँ कुछ उपभोक्ता खरीदने आते हैं तो उस मछली को वो अगर 20 रुपये केजी कहता है तो कहते हैं 21 रुपये देंगे, सब दे दो, और वो बड़ी खुशी होकर के दे देता है।
यहाँ उस मछुआरे को ये पता ही नहीं चलता है कि वो अपनी जान की कीमत लगा के उस 21 रुपए में संतुष्ट हो गया और उस उपभोक्ता ने 1 रुपए ज्यादा देकर के उसको ऑप्रेस कर लिया, उसकी जान की कीमत 20 रुपए नहीं थी। तो फिर ये कहता है कि मछुआरे को कंसेंटाइजेशन ही नहीं है, चेतना ही नहीं है कि उसे लोगों ने ऑप्रेस किया और उपभोक्ता ने बड़े प्यार से उसके 20 रुपए की जगह 21 रुपए करके उससे वो चीज क्या कर ली, ले ली। सो फेरे वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन इन पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस रिगार्डिंग ऑप्रेस कंडीशन एंड ऑप्रेसर्स, कैसे लोग किसी को प्रताड़ित करते हैं। फेरे इसी चीज को जोड़ता है एजुकेशन से और वो कहता है कि टीचर बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन से पढ़ा रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन वो लिख कर लाया, मसाला तैयार करके लाया, उतना वो बच्चे के दिमाग यानी बैंक, स्टूडेंट का माइंड क्या है, बैंक है, और उस बैंक में वो उस इंफॉर्मेशन को डिपॉजिट कर देता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और फिर समय समय पर टेस्ट के माध्यम से, इवेल्युएशन के माध्यम से उसमें से क्या करता रहता है, परीक्षा लेता रहता है, डिपॉजिट मनी को निकालता रहता है। दैट इज नॉट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फिलोसफी वेरी वाइडली कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस अबाउट व्हाट इज टीचिंग, व्हाट इज लर्निंग, हाउ टू चेंज द टीचिंग लर्निंग पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस एंड पैराडाइम। सो फिर गिव दिस इंस्ट्रक्शन अबाउट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कि अगर हम ऐसे ही पढ़ाते रहे, बैंकिंग सिस्टम से पढ़ाते रहे, तो हमारे जो बच्चों के दिमाग हैं वो एक बैंक की तरह सिर्फ संरक्षण के लिए बन जाएंगे। हमारा दिमाग संरक्षण नहीं, क्रिएटिव है, कुछ नया पैदा करता है, नवीनता को पैदा करता है। तो फिर इस बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन का विरोध करता है और कहता है कि इसके द्वारा दो समाज में लोग उत्पन्न होते हैं, एक प्रताड़ित करने वाला और दूसरा प्रताड़ित होने वाला, ऑपरेशन ऑपरेसर्स। पेरे का कंसेप्ट अगर हम देखें तो लिबर्टेरियन पेडागॉग है, लिबर्टेरियन पेडागॉग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इंडियन फिलॉसफी में कहा गया सा विद्या या विमुक्त है, लिबरेशन, मुक्त कर दे विद्या, बंधन को मुक्त कर दे, उसकी थ्योरी अलग है। और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में जो पेरे कह रहा है लिबर्टेरियन पेडागॉग लिबरेशन की बात कर रहा है, वो अलग है। पेरे कह रहा है कि आइडिया ऑफ कंसेंटाइजेशन, आप बच्चे के अंदर वो कंसेंटाइजेशन चेतना पैदा कर दीजिए जिससे उसे ये पता लग जाए कि उसे क्या करना है। फिर इन्हें कंसेंटाइजेशन का आइडिया दिया और थ्योरी ऑफ पैराक्सिस का आइडिया दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ पैराक्सिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एज वेल एज टू चेंज द सोसाइटी। फिर कहता है आइडिया ऑफ पैराक्सिस, आइडिया ऑफ पैराक्सिस का मतलब है थ्योरी एंड एक्शन, इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति भी कहती है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में एक तालमेल होना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि अगर आप सिर्फ आइडिया 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 दे रहे हैं, सिर्फ बात 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 कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिकल उसे प्रैक्टिस में नहीं बदल रहे हैं तो वो सिर्फ एक बकवास है, वो सिर्फ एक बात है, राइट। सो थ्योरी विदाउट प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन इज ओनली टॉक, जो सिर्फ एक बात रह जाएगी। और अगर प्रैक्टिस हो रही है किसी चीज के, लेकिन उसके बहुत आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो वो भी चीज सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेरे दोनों को नकार देता है, किसको नकारता है, एक तरफ मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को भी नकार देता है, दूसरी तरफ नेशनलिस्ट फिलॉसफी को भी नकारता है, राइटिस्ट फिलॉसफी को भी नकार देता है, लेफ्टिस्ट फिलॉसफी को भी नकार देता है। क्यों? कहता है राइटिस्ट फिलॉसफी नेशन की बात करके हमेशा ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति में ये था, हमारी संस्कृति में ये था, हमारी संस्कृति ऐसी थी, तो वो हमेशा पास्ट में रहते हैं, था। और मार्क्सिस्ट फिलॉसफी कहती है ऐसा होगा, साम्यवाद आएगा तो ऐसा होगा, वो हमेशा फ्यूचर में रहती है। तो ना तो पास्ट में कोई आइडिया है तो या तो वो प्रैक्टिस में आ जाए, और फ्यूचर में कोई आइडिया दिख रहा है तो वो अभी प्रिंसिपल में नहीं है, तो वो दोनों को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है और कहता है देयर इज नीड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग करंट सिनेरियो एंड देयर इज नीड टू अमलगेमेट द आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ पैराक्सिस। तो जो थ्योरी ऑफ पैराक्सिस की बात कर रहा है वो बात कर रहा है फिर कि हम दोनों तरफ से अपने चिंतन को हटा करके कंसेंटाइजेशन क्रिएट करें, व्हाट टाइप ऑफ चेंज नीड इन प्रेजेंट सिनेरियो,
what type of changes is needed in curriculum pedagogy, pedagogy and other teaching practices. Why we go to the past time and why we look towards the future, we look towards the current situation that India kis paristhiti mein hai aur kya hona chahiye. So, fair a focus on idea of paraxis, that is, Fairian philosophy, that is critical pedagogue. Critical pedagogue never believe in authority, in faith and all. They believe their own critical conscientization. Conscientization is important. So, Western philosophers mein baat kar rahi hoon. Aapko Ivan Illich, De-schooling Society, Frankfurt School, पाउलो फेरे, ये सारे क्रिटिकल थिंकर्स हैं जिनको पढ़ करके आप वेस्टर्न फिलॉसफी की क्रिटिकलिटी को समझ सकते हैं. वेस्टर्न फिलॉसफी नॉट ओनली लिमिटेड टुवर्ड्स द क्रिटिकल फिलॉसफी, दे आल्सो गो टुवर्ड्स द एनालिटिकल फिलॉसफी. वेस्टर्न फिलॉसफी में डेरिडा का मत पढ़िए, पोस्ट मॉडर्निस्ट मत पढ़िए, पोस्ट मॉडर्निज्म को पढ़िए. पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफर नियर अबाउट द लिबरेशन, कि हम किसी भी बंधन में नहीं है. और जब हम बंधनों में रह के एक ट्रेडिशन कल्चर में रह के सोचेंगे तो हम बंधन मुक्त नहीं हो सकते. तो पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया या आप या डेरिडा के आइडिया को पढ़िए डेप्थ में जाके, तो आपको समझ में आएगा कि वो एक एनालिटिकल फिलोसोफर है. लिंग्विस्टिक एनालिस्ट, लैंग्वेज की एनालिसिस की गई है वेस्टर्न फिलोसफी में, कि जो भाषा है वो किस तरीके से एक पावर का काम करती है, राइट. तो लिंग्विस्टिक एनालिस्ट जो है वो भी वेस्टर्न फिलोसफी का पार्ट है. वेस्टर्न फिलॉसफी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को जब देखती है तो केवल इजम्स के रूप में नहीं देख रही है, या वो विभिन्न तरीके से कहती है कि फिलॉसफी इज नथिंग बट ओनली द फिलोसफाइजेशन. व्हाट इज फिलोसफाइजेशन? फिलोसफाइजेशन मीन्स किसी कंसेप्ट को लेकर के एक ऐसी समझ बनाना जिसमें एनालिसिस भी हो, जिसमें सिंथेसिस भी हो, जिसमें थीसिस भी हो, जिसमें एंटीथीसिस भी हो, जिसमें आप किसी चीज को एक्स और वाई के बीच में, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको. व्हाट इज फिलोसफाइजेशन? फिलोसफी इज नथिंग बट ओनली द फिलोसफाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीचर हैं और आप किसी चीज को क्लास में जाते हैं, किसी बच्चे को डांट टपट करके चले आते हैं. आने के बाद आप स्टाफ रूम में बैठते हैं. स्टाफ रूम में बैठ के आपका जो दूसरा टीचर है वो कहता है कि क्लास में किसी बच्चे को इस तरीके से डांटना नहीं चाहिए था, आपको अकेले बुला करके उसे कुछ कह देना चाहिए था. अब वो जब डांट के आया और उसको उसने कहा कि हाथ ऊपर कर लो, पनिशमेंट दिया, पनिशमेंट दिया, लेकिन क्या ये पनिशमेंट वर्ड जो वो पनिशमेंट दे के आया है, और जो दूसरा स्टाफ रूम का टीचर है वो किसकी बात कर रहा है? वो गिल्ट की बात कर रहा है. उसे वो, ही इज नॉट डिस्कसिंग अबाउट पनिशमेंट, ही इज सजेस्टिंग अबाउट द गिल्ट. सो द पनिशमेंट एंड गिल्ट आर डिफरेंट. इफ यू वॉन्ट टू से अबाउट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड डिजायर आर डिफरेंट. सो फिलॉसफी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन लैंग्वेज दैट फिलॉसफी किसी चीज के मूल अर्थ को समझने में मदद करती है, एंड दैट यू डू बाय द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल एनालिसिस. सो फिलॉसफी फुलफिल्ड एनालिटिकल फिलॉसफी या कंसेप्चुअल एनालिसिस, किसी चीज के यथार्थता की तरफ बढ़ना, किसी चीज में मूल तत्व के बारे में जानना कि अल्टीमेटली क्या चीज है. सो पनिशमेंट एंड गिल्ट इज डिफरेंट देन एक्स और वाई. वो दोनों टीचर आपस में डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने पनिशमेंट दिया है, आप तो गिल्ट की बात कर रहे हैं. तो कहता है कि हाँ मैं गिल्ट की बात कर रहा हूँ. सो देयर इज लिंक बिटवीन द पनिशमेंट एंड गिल्ट. So philosopher start to philosophize the word, that is, what is punishment, what is the effect of punishment. Maybe the effect of punishment is guilt. Guilt is not punishment. So philosophization means you in your mental activity, aap aisa mansik prayatn karein, you have three type of idea: generalized idea, contextualized idea and general idea. So कॉन्टेक्चुलाइज आइडिया, किसी कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है, एक जनरल उसके बारे में क्या थीम है, और ये एक मूल अर्थ में क्या है, ये सारी चीजों को जब आप खोल करके समझते हैं तब आप वो कह सकते हैं कि आपने इस चीज को फिलोसोफाइज किया. राइटिंग फिलोसफी इज ऑल्सो एन एक्ट, फिलोसफी को कैसे लिखा जाए. तो अभी अगर मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से वेस्टर्न फिलॉसफी का एक वृक्ष है
जो कि पूरे रीजन और लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के मनुष्य के समाज और मनुष्य के समाज में क्या भूमिका है और कैसे एक ह्यूमैनिज्म की स्थापना हो, कैसे एक ह्यूमैनिटी की स्थापना हो, उसको लेकर के एक विकसित हुआ दर्शन है। हम बहुत दर्शनों की बात करते हैं तो हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर करते रहते हैं। देखिए भारतीय दर्शन जो है वो षड् दर्शन है, वो जीवन पे आधारित दर्शन है, वो आत्म साक्षात्कार पर आधारित दर्शन है, वो आपके एक मूल अपने जीवन से संबंधित होता है। अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूं तो उसका जन्म दर्शन से नहीं हुआ है, वेद से हुआ, विद से हुआ, विद अर्थात जानना, विद धातु से हुआ, और इस विद को जानने का जो कार्य हुआ है वो अरण्य में हुआ है, और उस अरण्य से ब्राह्मण गर्त निकले, ब्राह्मण मतलब ब्री मतलब बढ़ना, और उस ब्राह्मण से फिर वहां जाकर के गद्य और पद्य में जब वो बातें गई तो वो संस्कृत में क्लिष्ट थी तो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, और वहां से उपनिषदों में आया है, और फिर उन उपनिषदों में जो व्याख्या हुई है, फिर वो षड् दर्शनों में बढ़ते हुए आस्तिक और नास्तिक दर्शन, लेकिन वो जीवन आधारित और आत्म साक्षात्कार आधारित दर्शन है, वो संस्कार आधारित दर्शन है। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की परिकल्पना तरीके अलग हो सकते हैं। एक जगह ड्यूलिज्म हो सकता है, एक जगह मोनिज्म हो सकता है, प्लुरलिस्टिक हो सकता है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण के केंद्र में मानव है और विश्व है, संसार है, ईश्वर है, रचना है, तो हम ये ना माने कि दोनों एक अलग अलग रास्ते हैं लेकिन लाते एक ही जगह पर। तो बहुत इनके बीच में जो आप जिस तरीके से अंतर पैदा करते हैं कि ये अच्छा है वो बड़ा है, नहीं, पूर्व और पश्चिम का दर्शन तरीका अलग हो सकता है लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, इसी तरीके से ह्यूमैनिज्म को रखना। सो वेरियन फिलोसफी दैट इज क्रिटिकल फिलोसोफर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को पढ़ें तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को इस रूप में ना पढ़ें कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन सिर्फ इज्म है, प्रयोजनवाद है, या ये है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन लिटिल बिट समथिंग एल्स, एक रिसर्च की अप्रोच है, एक तरीका है किसी चीज को समझने का, जो वाद के रूप में भी हो सकता है, थ्योरीज के रूप में हो सकता है, आइडियोलॉजीज के रूप में हो सकता है, क्रिटिकल थिंकर्स के रूप में हो सकता है, एनालिटिकल फिलोसफर्स के रूप में हो सकता है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव में हो सकता है, एक परसेप्शन है, एक सोचने का तरीका है जिसके आधार पर कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के उस चीज को डेवलप किया है, राइट। तो मुझे लगता है कि अब मेरा व्याख्यान मैं यहाँ पर समाप्त करूँ। मैं आपके चैट बॉक्स में से कुछ प्रश्न लेती हूँ। पवन रावत ने तो दर्शन के प्रश्न को नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती 3 साल से अधूरी है। ये प्रश्न आपका दर्शन से संबंधित तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप पाउलो फेरे की तरह सोचते हैं तो आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। बिना आपके कंसेंटाइजेशन हुए आपको जस्टिस नहीं मिल सकता है। फेरे ये कहता है कि ऑप्रेस लोग आपको तब कर देते हैं, प्रताड़ित तब कर देते हैं जब आप प्रताड़ित होना चाहते हैं। तो कंसेंटाइजेशन की बात की है, उसने कहा डोंट चेंज द सोसाइटी, ओनली एजुकेट द सोसाइटी। तभी तो फेरे ने लिटरेसी कैंपेन चलाए हैं, फेरे ने सबसे ज्यादा साक्षरता अभियान पे काम किया है, लोगों को एजुकेशन दी है, क्योंकि एजुकेशन वो एजुकेशन नहीं है जो आपको कंसेंटाइजेशन ना पैदा कर पाए, जो आपके अंदर चेतना ना पैदा कर पाए, और वो भी कैसी चेतना, जो जागृत चेतना है, अगर वो पैदा नहीं कर पा रही है तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ, फिर आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो फियरलेस होइए। अगर इंडियन फिलॉसफी में बात करेंगे, विवेकानंद जी की बात करें या राम जय कृष्ण मूर्ति की बात करें, तो इंडियन फिलॉसफर्स भी इस तरीके की कंसेंटाइजेशन की बात करते हैं, वो थोड़ा क्रिटिकल कंसेंटाइजेशन की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है नीतीश तिवारी नाथ जी का, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद में मूलभूत समानता और असमानता क्यों है, कृपया उल्लेख करें। यह प्रश्न अच्छा है। देखिए दर्शन की कक्षा में
जब भी आप थीसिस को पढ़ें तो आप अपने दिमाग में मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को हमेशा रखिएगा। मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में एक एक की मेटाफिजिक्स बताती जाऊंगी और तीनों की मेटाफिजिक्स बताऊंगी, तीनों की एपिस्टेमोलॉजी बताऊंगी, तीनों की एक्सियोलॉजी बताऊंगी और आप समानता समानता करिएगा। जो आइडिया रियलिज्म का है, जिसे हम कहते हैं यथार्थवाद, वहां की मेटाफिजिक्स में देखें तो रियलिज्म कभी किसी चीज में अल्टीमेट रियलिटी की बात नहीं कर रहा है, वो चेंज की बात कर रहा है, राइट? तो यथार्थवाद जो है वो परिवर्तन है और वो कहते हैं जो दिख रहा है वो है और जो नहीं दिख रहा है वो भी है। बस समझ में आ गई? तो यथार्थवाद में सेंसेस को इम्पोर्टेंस दिया गया, जिसे कहते हैं ज्ञानेन्द्रीय यथार्थवाद, जिसमें ज्ञानेन्द्रीय यथार्थवाद हर्बर्ट, जिसमें स्पेंसर ने कहा है नॉलेज इज अ गेटवे ऑफ, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, इसके साथ व्हाइटहेड ने कहा है। तो यथार्थवाद में अगर आप देखेंगे तो सेंसेस को इम्पोर्टेंस दी गई, तो यथार्थवाद एक वैज्ञानिकवाद भी है। देखो, जहां भी सेंसेस की बात की जाएगी, जो लॉक का आइडिया है, वहां से साइंस डिसिप्लिन को फोर्स मिलता है, वहां से विज्ञान का जन्म होता है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर कैटेगराइजेशन करते हैं, फिर जनरलाइजेशन करते हैं, फिर एक थ्योरी आती है, फिर एक प्रिंसिपल आती है, तो वहां साइंस का जन्म होता है। लॉकियन कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, एंड रियलिज्म इज ऑल्सो अ साइंटिफिक इज्म, जहाँ पे विज्ञान के डिसिप्लिन को करिकुलम में ज्यादा महत्व दिया जाएगा। और यथार्थवादी चिंतक किसी भी चीज को में, उनका जो करिकुलम होगा वो बहुत सारे डिसिप्लिन होंगे। रशियन करिकुलम जो है, यथार्थवादी करिकुलम है, वहां पर बहुत सारे विषय होंगे कि इसको ऐसे सीखा जा सकता है, इसको ऐसे सीखा जा सकता है। तो यथार्थवादी जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पर काम करेंगे, सेंसेस को इम्पोर्टेंस देंगे। जबकि जो प्रयोजनवादी है, यहाँ तो वर्ड ही साफ है कि प्रयोजनवाद का जो मेटाफिजिक्स है वो किसी अल्टीमेट रियलिटी की तरफ नहीं है, वो इमीडिएट गोल्स को एस्टेब्लिश करता है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स को मानता है और वो प्रैक्टिकल है। मतलब वो प्रयोजन क्या पर्पस है और लाइफ को एक पर्पसफुल एक्टिविटी मानता है। तो वहाँ पे अगर हम मेटाफिजिक्स देखें तो यथार्थवाद और प्रयोजनवाद की मेटाफिजिक्स में कहीं भी यूनिवर्सैलिटी का आइडिया नहीं है। दीज आर बेसिक बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ चेंज, बट इन प्रैग्मेटिज्म पर्पस इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इमीडिएट पर्पस, क्लियर? तो प्रयोजनवाद में हम जब कोई भी क्रिया करें तो क्रिया करने से पहले उसके पीछे क्या कॉज है, क्या पर्पस है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ड्यूवी है तो वहां का जो करिकुलम होगा वो बहुत ही यूटिलिटी बेस्ड होगा, वो बहुत ही एक्टिविटी बेस्ड होगा कि इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, क्या यूटिलिटी है इसकी। तो अगर शीलर और जॉन डीवी की बात करें तो वो प्रैग्मेटिस्ट हैं और वो किसी भी चीज में भले ही सोसाइटी की बात करता है जॉन डीवी, लेकिन जॉन डीवी के क्रिटिक को पढ़िएगा कि ड्यूवी की एक्टिविटी के अधिक आ जाने से या यथार्थ के विज्ञानवाद के अधिक बन जाने से मनुष्य यंत्रवत हो गया, मनुष्य का एक मशीन के रूप में प्रयोग हुआ, और इन्हीं दोनों को नकारते हुए अस्तित्ववाद का जन्म होता है। कि हम अस्तित्ववाद विज्ञान को नकार देता है, कहता है कि हम केवल मशीन नहीं है, हम ऐसे नहीं है कि ऐसे करते रहेंगे कि हमको काम दे दिया गया और हम प्रोडक्ट बनाते रहे, हम चीजों को अपने लिए कर रहे हैं, हो सकता है हमारा काम ना करने का मन हो, मेरी चॉइस है ये। सो यथार्थवादी जहाँ पे साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है, प्रैग्मेटिस्ट बहुत ही यूटिलिटेरियन हो जा रहे हैं, पर्पसफुल हो जा रहे हैं, रात दिन का पता नहीं है, काम करते रहो, बस फायदा फायदा फायदा। वही अस्तित्ववादी जो है वो अपनी चॉइस को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो अपनी फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो ये इसमें अंतर है। और प्रकृतिवादी जो है वो काफी नेचुरलिस्ट आइडिया है। जो प्रकृतिवाद है, अगर आप वहां पे रूसो की संकल्पना को देखें तो प्रकृतिवाद काफी सोफिस्ट आइडिया भी हम कह सकते हैं प्रकृतिवादी था, क्योंकि एलिमेंटल देख रहे थे और एटोमिज्म है वहां पर। तो प्रकृतिवादी में हम कह सकते हैं कि लर्निंग फ्रॉम द नेचर, और नेचर के थ्रू हमें सीखना है, प्रकृति के थ्रू सीखना है, तो वहां पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा, निगेटिव एजुकेशन, उसकी बात की गई है। तो इन तीनों में असमानता तो मैंने बता दी कि क्या असमानता है, समानता क्या है, तीनों में क्या समानता आप देख रहे हैं। देखिए, जब भी आप दर्शन को देखना शुरू करिए तो दर्शन कहाँ से पैदा हो रहा है, मनुष्य से पैदा हो रहा है,
मनुष्य के चिंतन से पैदा हो रहा है, तो तीनों ही देश और काल के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य द्वारा उत्पन्न चिंतन है, जिसके कोर में ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है। कहीं डिसिप्लिन साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कहीं वोकेशनल स्टडीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रयोजनवाद में, वहीं प्रकृतिवाद में आप देख लीजिए तो नेचर की स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जो स्टडी करने वाला है वो कौन है? मनुष्य। तो अगर हम देखें तो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस में तीनों में डिफरेंस है, लेकिन नॉलेज किसको आ रही है? नोअर कौन है? ह्यूमन बीइंग, राइट। तो तीनों ही वादों में समानता के रूप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के चिंतन से उत्पन्न है, पर मनुष्य एक कोर है। तीनों के चिंतन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, कहीं जाकर प्रकृतिवादी यथार्थवादी भी हो जाते हैं, प्रकृतिवादी कहीं अपने आप को डिलिमिट नहीं करते हैं, जब प्रकृतिवादी प्रयोजनवादी नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बहुत नेचुरलिस्ट हैं तो वो बहुत यूटिलिटेरियन नहीं होते हैं, जैसे वो यूटिलिटेरियन हो जाते हैं वो नेचुरलिस्ट नहीं रह जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंतर को मेटाफिजिक्स के हिसाब से देख रहे हैं, अंतर है, एपिस्टेमोलॉजी मेथोडोलॉजी के हिसाब से भी अंतर है, लेकिन एक्सियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो आपको समानता दिखाई देगी, क्योंकि मूल्य भले ही अलग अलग पैदा हो रहे हैं लेकिन मूल्य किस में विकसित हो रहे हैं? वो मनुष्य में विकसित हो रहे हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। RSP शर्मा का है कि आप वेद पर विश्वास करती हैं, यदि हाँ तो पाश्चात्य दर्शन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, वेद में विश्वास करना क्या हमें ये सिखाता है कि हम पाश्चात्य दर्शन को ना माने? अरे पूर्व और पश्चिम के दो दर्शन हैं, दो दृष्टिकोण हैं, सोचने का तरीका है, लेकिन अगर हम जीवन से संबंधित करें तो हमें वेदों पर जाना पड़ेगा, हमारा जीवन उसके लिए। लेकिन अगर हम रैशनलिस्ट थिंकर के रूप में एक सोसाइटी में राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं, आप खुद देखिए मार्क्सिस्ट फिलॉसफी क्या करती है, चेंज इन पॉलिटिक्स, चेंज इन सोसाइटी। अगर क्रिटिकल थिंकर्स की बात करूँ तो क्रिटिकल थिंकर जो है कंटेम्प्रेरी सोसाइटल टेंडेंसी में चेंज कर रही है, नई समाज को जन्म दे रही है जिसमें ऑप्रेस वर्ग भी अपने लिए कुछ कर पा रहा है। आप B.R. अम्बेडकर को देख लीजिए, he is also kind of philosopher, वो भी बदलाव कर रहे हैं। तो हम एक होलिस्टिक सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं और एक होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग की स्थापना करना चाहते हैं तो हम किसी भी व्यू को नकार कर चलें और किसी भी व्यू को जस्टिफाई करें ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूँ कि ट्रूथ, वॉट इज ट्रूथ, तो ट्रूथ इज जस्टिफाइड बिलीफ। इसको मैं, हो सकता है कि कभी लेक्चर मिला तो मैं आपको जस्टिफाइड JTB थ्योरी बताऊंगी कि किस तरीके से आप किसे सच मान बैठते हैं किसे झूठ करने लगते हैं, ये आपका एक सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन हो सकता है। यूनिवर्सलिटी को ढूंढना, साथ में सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन को समझना और एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना एजुकेशन का एम है। तो मैं दोनों में ही विश्वास करती हूँ, दोनों को ही समझने का प्रयास करती हूँ और जीवन में लाने की कोशिश करती हूँ। I think I cover all questions. Thank you so much. आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मुझे समय दिया। अंत में मैं पुनः सोमू जी का धन्यवाद करूंगी। सोमू जी ने मेरे संग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 10 वर्ष तक मैं वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थी और वो परमानेंट थे, लेकिन मेरे संग बहुत ही अच्छे से कार्य किया है। और सोमू जी के इस भारत पढ़े अभियान से मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा पुनीत कार्य है जो आज हम वर्चुअल मीडिया में जी रहे हैं जिसमें हम अपने छात्रों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। सोमू जी एक ऐसे माध्यम बने हैं जिसके थ्रू बहुत सारे टीचर्स आपसे जुड़ पा रहे हैं। सो मुझे इस पुनीत कार्य के लिए आपको बधाई और ऐसे ही आप आगे हम लोगों को मौका दें जिससे हम अपने छात्रों से जुड़ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे खत्म करना है?
सर इसको खत्म कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा हाँ डियर कर दूँ, ठीक है फिर एंड।